पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल हिंसा में अब तक आगजनी, विवाद, गोलियां चलना और मौत, ये सभी आपने सुना और देखा होगा। लेकिन मुरादाबाद में संभल से जुड़ा एक ऐसा मामला अजीबोगरीब सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुरादाबाद में एक महिला के द्वारा वीडियो देखना और उस वीडियो में संभल हिंसा के दौरान पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करना उस महिला को इतना भारी पड़ गया कि उसके पति ने उसे काफिर कहते हुए ही मुस्लिम महिला को तलाक दे दिया। इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की है और पुलिस के द्वारा भी इस मामले में FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि संभल हिंसा से जुड़े इस मामले में जो एक नया मोड़ आया है और महिला को 3 तलाक का सामना करना पड़ा, ये वाकई चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि संभल हिंसा के मामले में लगातार राजनीतिकरण हो रहा था, सभी पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पति है उसके द्वारा महिला को 3 तलाक देना कहीं ना कहीं उसकी सोच को भी साबित करता है। सर, वजह कुछ भी नहीं रही है, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर गए हुए थे 31 अक्टूबर से। मैं परेशान थी, बच्चा बहुत बीमार था, उन्हें ढूंढती रही, वो अपने घर पर रह रहे और मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने काफ़ी लोगों से भी बात कराई उन तक पहुंचने के लिए, मैं उनके ऑफिस तक पहुंची और जब मैं ऑफिस पहुंची तो वो वहां से भी मुझसे बात नहीं कर रहे, मिलना नहीं चाह रहे। मैं काफ़ी बार उनके ऑफिस पहुंची, ऑफिस के बाहर उनका वेट करती रही कई बार। तो जब मैं उनका वेट एक दिन कर रही थी तो वो मुझे मैंने उन्हें रोका तो मुझसे बोले मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है और ये क्या देख रही है। मैंने कहा जो गलत कर रहा है वो गलत है चाहे कोई भी हो। तो बोले तो मतलब पुलिस सही कर रहा, पुलिस ने। मैंने कहा मैं नहीं कह रही कि किसने सही करा किसने गलत करा, लेकिन अपने बचाव का हक सबको है। तो बोले तू तो काफिर है, तू तो पुलिस का ही साथ देती है, पुलिस तो तेरे माई बाप है। और इस बात पे बोले मैं तुझे नहीं रखूंगा चाहे कुछ भी हो, और मैं तुझे अभी यहीं तुझे 3 तलाक देता हूँ। तलाक देकर मुझसे बोले अब तेरा मेरा कोई मतलब नहीं है। बात ही कोई नहीं थी, क्या बात होती। एक मैं वीडियो देख रही थी, उस वीडियो को लेकर ही मैं कह रही थी कि वो जो गलत है गलत तो आप भी कर रहे हो, तो क्या जो गलत करेगा वो गलत है, अपने बचाव का सबको हक है। वो वीडियो था कि जो पत्थर मार रहे थे, तो मैंने कहा वो हर चीज का एक तरीका होता है, कानून होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना था, इन्हें भी गोली नहीं चलानी थी, लेकिन मैं किसी का साथ नहीं दे रही थी। बोले नहीं तुम्हें तो पुलिस ही साथ देना होता है हमेशा। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ बस इस मामले में अच्छे से सारा मामला समझा जाए और जो गलत है उसके लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, कार्यवाही पूरी होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये वीडियो संभल का था? कौन सा वीडियो? जो मैं देख रही थी मोबाइल में। जी मुझे वहाँ जाना था संभल काम से, और एक शादी भी थी, दोनों मामले में मुझे जाना था, तो मैं चेक कर रही थी कि वहाँ के हालात ठीक है या नहीं है, जाना चाहिए या नहीं, इसीलिए। अधिकार हर किसी को है, तो इन्होंने एक अपनी बात रखी अपने हस्बैंड के सामने कि पुलिस जो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रही है वो गलत नहीं है, सेल्फ डिफेंस का राइट हर किसी को है। तो इसी बात से चिड़के इनके पति ने इन्हें 3 तलाक दे दिया कि इन्होंने पुलिस की तारीफ कैसे कर दी। उनका कहना यह था कि तुम मुसलमान नहीं हो, काफिर हो, इसी बात को लेकर 3 तलाक दे दिए जो गलत है। इसमें इन्होंने कल कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है और आश्वासन दी मिला है कप्तान साहब से कि इनकी FIR दर्ज कर ली जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई इनके हस्बैंड के खिलाफ की जाएगी। FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, हो जाएगी, कप्तान साहब ने कहा है। ये अपने पति की फर्म गई थी दिल्ली रोड, तो वहां पे जब ये लौट रही थी तो वीडियो देख रही थी एक, तो उसी समय इनके हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने कहा कि इस वीडियो को बंद करो, ये वीडियो देखना सही नहीं है। उसमें पुलिस वाले अपना डिफेंस कर रहे थे, तो उसी बात से इनके हस्बैंड चिढ़ गए। संभल हिंसा को लेके ये वीडियो देख रही थी, इन्हें जाना था संभल, इन्होंने कहा पहले मैं देख लूं वहां के हालात क्या हैं, पर इसी बात से छिड़के के पुलिस की प्रशंसा क्यों कर दी, इनके हस्बैंड ने 3 तलाक। इनके पति मर्चेंडाइजर हैं।